ये शादी नहीं हो सकती। हम सिर्फ मिस निशा से बात करना चाहते हैं, प्लीज हमें मत रोकिए। विराज तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। देखिए हमें मत रोकिए, हमसे कुछ गलत ना। विराज सिंह राठौर, आज निशा की शादी है, तुम बाहर जा रहे हो। तुम बाहर जाते हो या पापा? इन्हें आने दीजिए पापा, जरा हम भी तो सुने कि ये कहना क्या चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए, I'm so sorry, हमसे गलती हो गई। एक झूठ की वजह से हमारे बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी मिस्टर शाह। अब हमें सच पता चल चुका है मिस्टर शाह, हमें सच पता चल गया। हम जानते हैं कि आपने वो ईमेल लीक नहीं करवाए, वो बुआ जी की साजिश थी। आप हमेशा से जानती थी मिस्टर शाह, पर हम नहीं। हमें जैसे पता चला हम आपको यहां लेने आ गए हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मिस्टर शाह, और हम जानते हैं कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। इस सच को झुठलाकर आप कभी चैन से जी नहीं पाएंगे मिस्टर शाह। कम ऑन मिस निशा, ये सोचने का वक्त नहीं है। आप भी यहां हैं, हम भी हैं, और मंडप भी सजा हुआ है। हमने फैसला कर लिया कि हम आज शादी करेंगे मिस निशा। अब हम आ गए मिस निशा, अब आपको खुद को सजा देने की जरूरत नहीं, और आपको इस लड़के से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। कबीर, क्या फर्क पड़ता है मिस निशा? हम जानते हैं कि आप इस लड़के के साथ सिर्फ इसलिए शादी कर रही हैं क्योंकि हमने आपके प्यार को ठुकराया था, पर अब सब ठीक होगा। आई प्रॉमिस यू मिस निशा, सब ठीक होगा। मिस निशा सिर्फ हमारी है, हमारे बीच में मत आइएगा। मिस्टर विराज सिंह राठौर, नहीं हो सकता। इस तरह मत देखिए मुझे, पूरी फैमिली के सामने मेरा हाथ पकड़कर वो हक जताने की कोशिश मत कीजिए जिसके आप लायक ही नहीं। पर मिस्टर शाह, आप ही ने तो कहा था कार्ड शॉप में कि सिर्फ दो मिनट के लिए भूल जाए जो हुआ हमारे बीच। कहा नहीं था मैंने? रो रही थी मैं, गिर गिरा रही थी मैं आपके सामने, अपने प्यार को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश कर रही थी। लेकिन आपने क्या किया?
ठुकरा दिया मुझे। हाँ गलती की हमने मिस्टर शाह, पर उसके लिए माफी भी तो मांग रहे हैं। और गलती किससे नहीं होती मिस्टर शाह, आपने भी तो की थी वो ईमेल्स। वो मेरा बचपना था, लेकिन अब मैं बहुत सीरियस हूं। प्यार का मतलब हक जताना नहीं होता है मिस्टर विराज। आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। इनफ, आपने मेरा मजाक उड़ाया, मैं चुप थी। आपने मेरे प्यार की इज्जत नहीं की, मैं तब भी चुप थी। लेकिन आज आपने मेरे पूरे परिवार का, मेरी शादी के फैसले का मजाक उड़ाया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, निशा, इस शादी का फैसला हम दोनों का है। अच्छा बुरा जैसा भी होगा, हमने साथ में इसका सामना करने का फैसला किया है। लेकिन निशा, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। विराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो तुझे लेने आ गया है। निशा एक बार ठंडे दिमाग से सोच, तुझे फैसला करना है कि तू विराज से शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने फैसला ले लिया है कबीर, मैं विराज सिंह राठौड़ से शादी नहीं करूंगी। जिस इंसान ने मुझे बार बार टुकराया है कबीर, मैं उस पर विश्वास कैसे कर लूं? कैसे ये मान लूं कि अचानक से उनकी आंखों से पर्दा उठ गया है? मेरा प्यार एक तरफा ही सही, जितने दिन के लिए भी था, उसने हमेशा मेरा स्वाभिमान बढ़ाया। लेकिन आज विराज सिंह राठौड़ को हाँ कहकर मैं अपने ही नजरों में नहीं गिनना चाहती कबीर। एक बार सोच ले। मैंने सोच लिया है कबीर, मैं विराज सिंह राठौड़ को ना गुस्से में नहीं कह रही। प्यार की बुनियाद भरोसे पे रखी जाती है, लेकिन विराज ने कभी मुझ पे भरोसा किया ही नहीं। कभी मैं विराज सिंह राठौड़ से शादी नहीं करूंगी। और हाँ, अगर तुझे भी ऐसा लगता है तो तू भी। मैं सिर्फ तेरे बारे में सोच रहा और कुछ नहीं। हम दोनों जानते हैं शादी सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन तू, मुझे नहीं पता कबीर कि इस शादी का क्या होने वाला है। ये शादी एक लड़ाई है जो वक्त आने पर लड़ी जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, ना चिढ़ कर ना गुस्से में। अगर तुझे अब भी डाउट हो रहा है ना, तो मैं सबके सामने बताती हूँ, बाकी ये किस्सा अभी क्या भी खत्म हो जाए। मैं सही कहा था मिस्टर विराज, प्यार बराबरी वाले लोगों से किया जाता है, और आप तो मेरी नजरों से गिरी चुके हो। मेरी शादी वाले दिन मेरे घर पे आके आपने मेरे पापा से, मेरे ताऊ जी से इस तरह बात की, मेरी दादाजी की इज्जत के बारे में आपने सोचा तक नहीं। आपको अब भी लगता है कि मैं आपसे शादी करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं आपको भीख नहीं दी, प्यार की नजरों से कभी नहीं देखूंगी। आप लोग समझाइए ना इन्हें, ये इमोशनल हो रही है, गलत कर रही है। हम अभी इनके साथ शादी कर सकते हैं, प्लीज समझाइए ना इन्हें। इनकी शादी हमारे साथ होनी चाहिए, ना कि इसके साथ। गंगवाल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, क्या जमाना है।
एक दुल्हन और दो दो दूल्हे। हाँ बता। क्या हुआ मिस निशा? मिस निशा क्या बचपना है? क्या आप हमसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। सुना आपने? मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी का जितना तमाशा आपको बनाना था वो आप बना चुके हो। अब बस बहुत हो गया। अगर आप मेहमान बनकर रहना चाहते हो तो प्लीज खाना खाके जरूर जाइएगा। अपना दरवाजा उधर है। आप निशा की बात सुन चुके हैं, चाहिए उसे। आपको जाना होगा विराज सिंह राठौर, और आपकी निशा की और सबकी इसी में भलाई होगी कि आप ये सब भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। और इस बार एक बात याद रखिएगा, प्यार छीनने से नहीं मिलता है, उसे कमाना पड़ता है। मिस्टर गंगवाल प्लीज आप जाइए यहां से। मिस्टर गंगवाल आप जाइए यहां से। विराज पीछे हटो, हटो। बस बहुत हो गया, निकलो यहां से। सर ये जरूरत हुई कि आप हमारे भी जा सके। लगता है आपको आपकी जगह दिखानी होगी। गुस्सा मुझे भी आता है, हाथ में भी उठा सकता हूं, लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखा किसी कमजोर पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती। शादी का घर धक्के मार के निकालने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, उससे पहले खुद ही निकल जाओ। गेट लॉस्ट। नहीं भुला पाएंगे आप हमें मिस निशा, और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। ये शादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर आप हमारी नहीं हो सकती तो हम आपको किसी और की भी नहीं होने देंगे।
बताओ, अच्छी लड़कियों के साथ ऐसा कभी होता है? एक लड़की और दूल्हे दो दो? आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छी लड़कियों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आंटी, सोचने वाली बात यह है कि आपकी नजर में अच्छी लड़कियां कौन होती हैं? अगर निशोज आदमी की बातें सुनकर अपनी किस्मत को कोसती तो वो अच्छी लड़की हो जाती। अगर निशा अपनी बेइज्जती होने देती तो वो अच्छी लड़की हो जाती। अगर निशा शर्म के मारे अपने कमरे में पड़ी रहती तो वो अच्छी लड़की हो जाती। लेकिन आंटी, यू नो व्हाट, आपकी जो डेफिनेशन है ना अच्छी लड़कियों के बारे में, वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। लाखों में एक लड़की है निशा। एक्चुअली नहीं, करोड़ों में एक है। करोड़ के बाद क्या आता है आपको पता है? इसकी आगे गिनती मुझे नहीं आती, लेकिन आपको तो सब पता है, बताइए ना। एक्सक्यूज मी, चलो चले यहां से। तेरी तारीफ पर इसका ये मतलब नहीं कि तेरे पीछे पागल हो गया। पर कबीर, हम चाहे लोगों से कितना भी कहे कि हमारी निशु बहुत अच्छी है, पर समाज घर के अंदर झांक के तो नहीं देखता ना कि कौन कैसा है। अब जहां पे तमाशे होंगे वहां पर उंगलियां तो उठेगी ही ना। आंटी, हमारे समाज में सब बातें अच्छी नहीं होती, चाहे लोग एक उंगली उठा दें, चार तो उन्हीं की तरफ होती है ना। हाँ, ये भी ठीक है। कोई चाहता ही नहीं है कि मेरी शादी हो। ये मेरे ससुर जी चाहते ही नहीं कि बेटी इनसे दूर हो जाए। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसा ही है, अब सुबह से मुंह बना के बैठे हो। और ये समोसे वाले ताऊ जी, ये तो अंदर से मुझे बहुत नफरत करते होंगे। हाँ। देखा, देखा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। और ये आपकी एन हाउस अमरीश पुरी, ये तो मुझे हार्ट अटैक देके ही छोड़ेंगे। क्या कहा तुमने? बाबूजी आराम से, उसको अटैक आ जाएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। नहीं। पक्का? उठ बेटा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। तो फिर आप इन्हें परेशान क्यों है दादू? निशा की शादी है, आपकी निशु की, दादू खुशी का मौका है ये। और किसी को हक नहीं बनता इस परिवार से उनकी पोती, उनकी भतीजी, उनकी बहन, उनकी ब्रो, उनकी बेटी की खुशी कम कर सके। निशा को भी इसका हक नहीं बनता। दादू प्लीज स्माइल कर दो। दादू को पता है फिल्मों में कोई शॉट अच्छा नहीं होता ना, उसे एडिट कर देते हैं। तो आज जो कुछ भी हुआ उसे भी एडिट कर दो ना। दादू, अगर आप स्माइल करोगे ना तो सबका मन हल्का हो जाएगा। प्लीज दादी को बोलो गुदगुदी करने। बड़े शरारती हो तुम भाई। ऑफ कोर्स दादू, लोहा ही लोहे को काटता है। और आपकी पोती निशु को संभालना ना किसी नॉर्मल लड़के का काम नहीं है।
अब तो शादी करवा दो दादू। अरे हम क्या शादी करेंगे तुम्हारी, तुम्हारा विवाह तो पहले हो चुका है, हम तो सिर्फ फर्ज पूरा करेंगे। अरे चलिए विधि शुरू कीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।